माइसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं गायनेकोलॉजी का, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया किसको बोलते हैं? इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट मेंसुरेशन, साइलेंट मेंसुरेशन, इनविजिबल मेंसुरेशन, हिडन मेंसुरेशन, यानी वैसा मेंसुरेशन जो हमें दिखाई नहीं देता हो, जो छुपा हुआ मेंसुरेशन है। भला ऐसा भी मेंसुरेशन हो सकता है जो छुपा हुआ मेंसुरेशन हो? यानी साइकिल होती तो है लेकिन ब्लड बाहर नहीं निकलता है, ऐसे मेंसुरेशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। कैसे होता है, ये क्यों हो जाता है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं बैठ करके। तो इतना हमें समझ में आ गया कि यह क्रिप्टोमेनोरिया है और यह भी प्यूबर्टी जैसे ही आता है उसी के बाद ही डेवलप होती है। रेयर में किसी को एडल्ट में होता है, जनरल जब भी होता है ये तो प्यूबर्टी के बाद ही मिलता है, जनरली जितना भी मिलता है वो लगभग 5% केस में ही ऐसा होता है जो कि एडल्टहुड में कभी मिलता होगा। चलिए बात करते हैं कि ये आखिर है क्या। ये देखिए, इसमें मेन चीज क्या होता है कि जो मेंसुरेशन साइकिल तो होती है, ये ओवरी है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये अंदर का जो लेयर है इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये सर्विक्स है और ये वेजाइनल कैनाल है। नॉर्मल में यही होता है, नॉर्मल कंडीशन यही होता है फीमेल में कि प्यूबर्टी के बाद यानी मेनार्की जैसे ही स्टार्ट होती है उसके बाद से हर महीने यहाँ से इंडोमेट्रियम टिश्यू बनता है, स्टेटम फंक्शनल लेयर, और हर महीने यहाँ से ब्रेक होकर बाहर आता है। इसको हम नॉर्मल मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। अब क्या होता है इस डिजीज में, क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, ओवरियन साइकिल होती है, ओवरी साइकिल करता है और यहाँ से इंडोमेट्रियम भी ब्रेक होता है, लेकिन यह जो टिश्यू है ब्रेक टिश्यू और ब्लड जो लगभग मालूम है ना कि एक साइकिल में लगभग 35 ml से 70 ml ब्लड जो है बाहर निकलता है। तो अब यहां से ब्लड निकला, ब्लड मेंसुरेशन साइकिल हुआ तो जरूर यहां से टिश्यू भी ब्रेक हुए, ब्लड भी निकला, लेकिन ये ब्लड यहां से बाहर नहीं आता है, इस रास्ते से बाहर नहीं आता है। क्यों ऐसा नहीं आता है बाहर, आखिर ये ब्लड यहां से गया कहां, क्या होता है इसके साथ? देखिए, ये है ऑस, ये है सर्विक्स, यानी ऑस से लेकर और इसके एक्सटर्नल पाथ तक, जो वल्वा का एक्सटर्नल पाथ जो होता है जिसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, तो लेबिया माइनोरा तक, मेजोरा माइनोरा तक, यहां से लेकर और लेबिया माइनोरा तक अगर कहीं भी रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस कंडीशन से ये ब्लड बाहर नहीं आता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से ये दो वैरायटीज का होता है, कंजेनाइटल एक्वायर्ड। बात करते हैं पहले कंजेनाइटल की। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ ही ये जो होता है रास्ता इसका क्लोज रहता है, बाय बर्थ ही इसका पाथ बंद रहता है। तो बाय बर्थ पाथ रास्ता बंद रहता है इसका और उसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आता है। मेंसुरल ब्लड कहां कहां से बंद रहता है? सबसे पहला है यहां पर कि जो लेबिया माइनोरा है ये इसका बंद रहता है, नंबर वन सबसे पहला है फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा। नंबर टू एट्रेसिया ऑफ वेजाइनल कैनाल, जो ये जो वेजाइनल कैनाल होता है ये छोटा रहता है, ये तो छोटा बन जाएगी, एट्रेसिया बनेगा नहीं, ऐसे हो जाएगी, देखिए ये रास्ता ऐसे हो जाता है, जो वेजाइनल कैनाल होता है ना ये रास्ता इसका बंद रहता है, ये ऐसे हो जाता है रास्ता, एट्रेसिया हो जाता है, ये भी जन्मजात होता है। तो नंबर टू हो गया एट्रेसिया। नंबर थ्री एजेनेसिस ऑफ वेजाइनल कैनाल, यानी बना ही नहीं है, इंटरटाइल लाइफ में जो जेनाइटल पोर होता है ना तो वो बनता है, ये बनता नहीं है। तो अगला हो गया एजेनेसिस ऑफ वेजाइनल कैनाल। अगला होता है सेप्टम फॉर्मेशन। अगर इस वेजाइना में सेप्टम बन जाता है, अगर सेप्टम बन गया अगर बाय द वे तो उस केस में भी ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगला कंडीशन हाइमेन इंपैक्ट हाइमेन, यानी कि इनपरफोरेट हाइमेन
या कॉम्पैक्ट हाइमेन। मतलब क्या होता है कि जो हाइमेन जो होता है वो मेम्ब्रेन, आपको मालूम होगा हाइमेन एक मेम्ब्रेन होता है, वह मेम्ब्रेन इसको क्या करे कॉम्पैक्ट किए हुए ऐसे। तो हाइमेन अगर कॉम्पैक्ट रहेगा तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। अगला कंडीशन फ्यूजन ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स आपस में क्या रहता है फ्यूजन रहता है। और लास्ट कॉजेस फ्यूजन ऑफ ऑस, यानी समझ गए यहां से यहां तक रास्ता कहां से कहां तक ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये सब जो कॉज देखें कंजेनाइटल कॉज में था। एक्वायर्ड कॉज में क्या होता है कि अगर क्रोनिक वेजिनाइटिस होने से जो वेजाइनल जो पाथ होती है वो बंद हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, ये एट्रोफी ऑफ वेजाइना। कंजेनाइटल में एट्रेसिया होता है और एक्वायर्ड में एट्रोफी हो जाता है। याद रखना इस चीज को, क्या है कंजेनाइटल एट्रेसिया और एक्वायर्ड में एट्रोफी। तब जो म्यूकस लेयर होता है इसका मसल्स कोट और म्यूकस लेयर सब क्या होता है एट्रोफी हो जाती है, इसके बाद रास्ता क्या होता है ब्लॉक हो जाती है। और दूसरा कॉज होता है क्रोनिक सर्विसाइटिस। क्रोनिक सर्विसाइटिस के कारण क्या होता है रास्ता जो होता है इसका क्या होता है एस्टिनोसिस हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं लोग एस्टिनोसिस ऑफ सर्विक्स। तो एक्वायर्ड में दो को देख लिए, क्या क्या देख लिए एट्रोफी ऑफ वजाइना, और दूसरा क्या देख लेते हैं लोग एस्टिनोसिस ऑफ सर्विक्स। दो कॉज होता है एक्वायर्ड में और कंजेनाइटल कॉज तो आपको देख लिया कहाँ से कहाँ ब्लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अब इफेक्ट से, आखिर इसको होगा क्या। देखिए जब ये रास्ता ब्लड यहाँ से बाहर नहीं आएगी तो ब्लड यहाँ एक्युमुलेट करेगा। अगर ब्लड जो ब्लॉकेज अगर इस लेवल पे हो, ब्लॉकेज अगर इस लेवल पे होगा तो ब्लड यहाँ जमा होगा, है ना। तो ब्लड कहाँ जमा हो जाएगा वेजाइनल कैनाल में। या अगर ब्लॉकेज यहाँ पे होगा सपोज दैट, तो ब्लड कहाँ जमा होगा यहाँ पे जमा होता है, या ब्लड कहाँ पे प्रोड्यूस होगी यहाँ पे जमा होगी। देखिए तो तीन जगह ब्लड जमा होने का चांसेस रहता है, कहाँ कहाँ बताए आपको हम तीन जगह कहाँ कहाँ, एक वजाइना में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग हिमाटोमेट्रिया, हिमाटोमेटा इसको बोलते हैं, हिमाटोमेटा यहाँ बोलते हैं हिमाटोमा या कॉल्पो हिमाटोमा बोलते हैं या हिमाटोकॉल्पस। कहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे एक्युमुलेट होता है क्या बोलते हैं इसको हिमाटोकॉल्पस, हिमाटोकॉल्पस। ब्लड अगर यहाँ जमा होता है यूट्रस में तो क्या बोलते हैं हिमाटोमेट्रा, हिमाटोमेट्रा। अब ब्लड अगर फिलोपियन ट्यूब में जमा होता है तो क्या बोलते हैं हिमाटोसाल्पिंक्स, हिमाटोसाल्पिंक्स। तो हिमाटो हिमाटोकॉल्पस, हिमाटोमेट्रा और हिमाटोसाल्पिंक्स। अब ये तीन जगह जमा होती है, धीरे धीरे क्या होती है ब्लड यहाँ पे डिपोजिट होकर चला जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कुछ सिम्टम आने लगेगा। अब देखिए सिम्टम क्या होगा इसमें, जैसे प्यूबर्टी आवेगा कुछ दिनों के बाद क्या होगा मेंस्ट्रुएशन आया, धीरे धीरे ब्लड यहाँ पे क्या होगा एक्युमुलेट करते जाएगा। एक्युमुलेशन होते 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 क्या होगा यूट्रस का साइज बढ़ेगा, यूट्रस का धीरे धीरे इलाजमेंट बढ़ते चला जाता है। यहाँ फेलोपियन ट्यूब है इसका भी डायलेटेशन होते चला जाता है। अगर वजाइनल कैनाल में डिपोजिट होगा तो ये डायलेटेशन होते जाता है। अब सोचो कि ये डायलेट जब करेगा तो आगे में क्या होता है ब्लैडर होता है, ब्लैडर को क्या करेगा उसको कंप्रेस करेगा, पीछे में रेक्टम होता है रेक्टम को कंप्रेस करेगा, यानी ये सब जो होता है इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर होगा तो ब्लैडर रेक्टम कंप्रेस, ये डायलेटेशन होगा तो आपको ओमेंटम कंप्रेस होगा, विसरा कंप्रेस होगी, विसरा से कंप्रेस होने लगती है, तो ये सबसे इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। क्या होगा सिम्टम में तो एब्डोमेन दर्द होगा, पेट में दर्द होता है, अब पेट में दर्द होगा और धीरे धीरे पेट का साइज बढ़ते जाता है, लोअर एब्डोमेन की इलाजमेंट होते जाता है पेट का, और प्लस कंटिन्यू दर्द होता है मरीज को, मेंस्ट्रुएशन आया नहीं, और पीरियड पेन होता है, पीरियड पेन का जो करेक्टर होता है वो पीरियड पेन होगा लेकिन ब्लीडिंग बाहर आएगी नहीं, धीरे धीरे इसका टेंडरनेस बढ़ते चला जाता है, छूने पे लंप महसूस होती है वहाँ पे। अब क्या होता है पेन का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो देखेंगे साइन में तो कुछ नहीं मिला, कोई वहाँ पर तो बोले ना इनविजुअल होता नहीं तो साइलेंट मेंस्ट्रुएशन है। अब क्या होता है जब हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं तो क्या मिलता है ब्लड यहाँ पे डिपोजिट है, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहता है इसमें, ब्लॉक हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इसमें, इन्फेक्शन भी हो जाता है, इंफ्लामेशन हो जाता है, इंडोमेट्राइटिस साल्पेंजाइटिस ये सब कंडीशन आता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं अगर बाय द वे तो अल्ट्रासाउंड में हमें मिलेगा रिपोर्ट में हिमाटोकॉल्पस, हिमाटोमेट्रा या हिमाटोसाल्पिंक्स, यह हमें क्या मिलेगा रिपोर्ट में मिल जाता है अल्ट्रासाउंड। जब हम क्या कराते हैं इसका TVS कराते हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, तो जब हम लोग यहाँ से कराते हैं सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल इसका कहाँ से कराते हैं वेजाइना से कराते हैं, तो क्या मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पे है। तो TVS में हमें ब्लॉकेज पता चल जाता है, यह है कि इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी TVS कराने पर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अब ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, चलिए आप लोग जो भेजाइना है इसमें जो रास्ता ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे, ब्लड जो जमा है ब्लड को वहां से रिमूव करते हटाते हैं, जहां जहां पे फ्यूजन है उसको क्या करते हैं हम लोग ऑपरेशन से हटाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं इसमें, और जो लेवल पे है इसका उस लेवल पे हम लोग इसका एग्जामिनेशन करते हैं। ये था मेरा क्रिप्टोमेनोरिया, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।